सो गाइस बद्रीनाथ में हम एंटर करने जा रहे हैं। बीच में इसने लूज मोशन कर दिया गाड़ी में, मैंने बड़ी मुश्किल से क्लीन किया। यहाँ के समोसे और पकौड़े इतने डिलीशियस हैं, क्या ही दिल्ली के टेस्टी होंगे। सो गाइस अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रुके, बच्चे को कुछ खिलाते हैं। चल तो हम यहाँ पे एक ढाबे पे रुके। अरे गिरोगी मेरी माँ, ऊपर चलो। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, व्यू तो बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। अभी आगे तो शुरुआत है अभी। आहान की तो तबीयत खराब है, बीच में इसने लूज मोशन कर दिया गाड़ी में, मैंने बड़ी मुश्किल से क्लीन किया। बहुत देर बाद इसको हमने सोता रहा, फिर हमने दही और चावल खिलाए, फिर सो गया। और अभी उठा, थोड़ा सही है, पहले से ठीक है थोड़ा। बाहर जाते हैं ना, पत्नी कहाँ का कुछ गलत खा लिया है। अभी यहाँ पे गाड़ी रुकी थी रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन चेक हो रहे थे, जो कि किए और नहीं किए बराबर। तो गाइस बस थोड़ी देर के लिए रुकी, अभी इनको बाथरूम करा के लाती। चल आन मेरे साथ, कहाँ लेके जाएंगे, चल सामने रेस्टोरेंट में चल। सो गाइस दिस इज कॉल्ड आवर बस, थोड़ी सी पैथेटिक है बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बद्रीनाथ जाने के लिए कोई दूसरी बस नहीं मिलती। हाँ एक एक समोसा पकड़ते हैं बस। मैंने समोसे लिए हैं, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ली है, बद्रीनाथ पहुंचने वाले हैं। 50 किलोमीटर होगा पर गर्मी अभी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ के समोसे और पकौड़े इतने डिलीशियस हैं, क्या ही दिल्ली के टेस्टी होंगे, बहुत डिलीशियस है। So guys, अभी हम बद्रीनाथ नहीं पहुँचे लेकिन फिर भी ना पहाड़ बर्फ वाले दिखने शुरू हो गए। यहाँ से मुझे दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ।
बद्रीनाथ यहाँ से अब 44 किलोमीटर रह गया। सो गाइस यहाँ पे है नरसिंह मंदिर। बद्रीनाथ में हम एंटर करने जा रहे हैं। ये बद्रीनाथ का बस अड्डा है। ठंड तो है पर इतनी नहीं कि कपड़े लत्ता लेने पड़े। सो फाइनली आ चुके हैं हम लोग बद्रीनाथ। अभी तक मैंने धरती को छुआ नहीं है। धरती छूना मेरा पेंडिंग है। बस एक मिनट में मैं छूने वाली हूँ। थोड़ी सी आगे जाऊँगी बच्चों को सेटल डाउन करके। सब कुछ बहुत बढ़िया है पर छोटा सा एक ये लग रहा है कि आहान की थोड़ी तबीयत ख़राब है। उसको फटाफट रूम में ले जाएं, सेट डाउन कर दें, फिर टेंशन ख़त्म।